आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक नरकी स्थित सब्जीपुर गांव पड़ा। लगभग 5500 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी 17 किलोमीटर है। वर्तमान समय में शाने अली इस गांव के प्रधान। वर्तमान प्रधान के इस गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए। प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में सीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, साथ ही साथ गांव में नाले व नालियों का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन अभी भी वह दुरुस्त अवस्था में नहीं। उन्होंने बताया कि गांव को शौचमुक्त बनाने के उद्देश्य से ग्रामीणों को शौचालय भी वितरित किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्रों को आवास भी सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं। अगर शिक्षा के स्तर की करें तो इस गांव में लगभग 350 बच्चे जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। वहीं गांव में आने वाले सभी तरीके के लाभ जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी नागरिक लाभान्वित होते दिखाई दिए। ग्राम प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 25 पंप भी लगवाए गए हैं, साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था के लिए 150 बिजली के पोल व 7 बिजली के ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में एक पंचायत भवन व एक शमशान घाट का निर्माण करवाया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्राम प्रधान शाने अली, ग्राम सब्जीपुर ये गांव में जो विकास कार्य हो रहा है सही हो रहा है। नाली खरंजे, नालियों की मरम्मत, खरंजों की मरम्मत, स्कूल की मरम्मत, बाउंड्री स्कूल की बाउंड्री वाल और नाली खरंजों का कार्य कराया है, शौचालय का कार्य कराया है। शौचालय बन गए हैं 289, ठीक है। और दो तीन कामों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, जैसे शमशान घाट है या पंचायत भवन है, इसी की हमें बहुत आवश्यकता है और इसकी बहुत ज़रूरत है। गांव को शौच मुक्त करने के लिए कम से कम 200 शौचालयों की और ज़रूरत है, और ग्राम के अंदर जो लाइनें खींच रही हैं वो बहुत पुरानी जर्जर हो गई हैं, वो लाइनों की बदलवाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आए दिन तार टूटता रहता, 200-250 रुपये दे के उसको जुड़वाने का काम करना पड़ता। अगर वो लाइन बदल जाए एक बार तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे विद्यालय कुछ प्राथमिक विद्यालय सब्जीपुर विकासखंड पिल्लर की मुरादाबाद में स्कूल की बाउंड्री वाल प्रधान जी ने तैयार करवा दी, और जो विंडो हैं इनकी जो पल्ले लगने थे ये भी लगवा दिए थे। इसके लिए हमने प्रधान जी से कहा था, ये काम करा दिया उन्होंने, लेकिन हमारे विद्यालय की जो छत है वो बिल्कुल जर्जर हो गई है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब जब बरसात होती है तो सारी जो छत है तीनों कमरों की, ऑफिस भी सब टपकता है। तो उसके लिए हमने प्रधान जी से कहा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया, परंतु वो कह रहे हैं कि अभी उन्हें जो है इसके लिए धन की जो है उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो अभी इस काम को उन्होंने बाद में कराने के लिए कहा है।